एक भारत श्रेष्ठ भारत भाषा संगम। आप और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा बदल जाती है। आप एक से ज्यादा भाषा जानते, समझते, सुनते या बोलते होंगे, इस बात में कोई शक नहीं हो सकता। यह हमारे देश और समाज की खूबसूरती है। आपकी कक्षा में आने वाले बच्चे भी ऐसे पारिवारिक या सामुदायिक परिवेश से आ सकते हैं जहां एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हों। संभावना ये भी है कि स्कूल में इस्तेमाल होने वाली भाषा बच्चों के परिवेश में मौजूद न हो। इस सामाजिक सच्चाई को स्कूल में उचित स्थान मिलना जरूरी है। इन्हीं विविधताओं का सम्मान करते हुए और उन्हें आपस में जोड़े रखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भाषा संगम कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। भाषा संगम हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित भारतीय भाषाओं से विद्यार्थियों को परिचित करवाने और बहुभाषिकता के प्रति जागरूक करने की ओर एक पहल है। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी न केवल बहुभाषिकता के प्रति जागरूक होंगे बल्कि उस भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवहारों और संदर्भों को भी समझ पाएंगे। भाषा संगम के उद्देश्य। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित सभी 22 भारतीय भाषाओं से विद्यार्थियों को परिचित करवाना, सभी भाषाओं के प्रति आदर और सम्मान को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को इन भाषाओं के माध्यम से देश की अनूठी सांस्कृतिक छटाओं और व्यवहारों के समीप लाना। भाषा संगम का क्रियान्वयन। भाषा संगम की शुरुआत में विद्यार्थियों को अलग अलग भाषाओं के 5 वाक्य सीखने के मौके दिए गए। फलस्वरूप विद्यार्थियों में इन भाषाओं को विस्तार से जानने की और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक व भाषिक व्यवहार को जानने समझने की जिज्ञासा बढ़ी। इसलिए विद्यार्थियों को 22 भाषाओं में लगभग 100 वाक्यों के गुच्छे सीखने के लिए दिए जा रहे हैं। इन वाक्यों से परिचित कराने से पहले एक अपेक्षित माहौल बनाने की जरूरत होगी जिससे दूसरी भाषाओं को सीखने में सुगमता और सहजता आ सके। हमारा विश्वास ये है कि विद्यार्थी इन्हीं वाक्यों तक सीमित न रहकर आगे बढ़ें। ये कार्यक्रम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संविधान में दी गई सभी 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 22 भारतीय भाषाओं में सरल व सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे वाक्य तैयार किए गए हैं जिन्हें सभी विद्यार्थियों के साथ एक पुस्तिका के रूप में साझा किया जाएगा। पुस्तिका की प्रस्तुति व रूपरेखा। इस पुस्तिका में दिए गए वाक्य संवाद शैली में बने हैं। ये वाक्य विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक एवं दैनिक जीवन से संबद्ध विषयों पर आधारित हैं। पहले मूल भाषा में, रोमन लिपि में, फिर देवनागरी लिपि में और फिर उसका हिंदी अनुवाद व अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है। इन विषयों पर आधारित वाक्यों को सीखने, समझने और अभ्यास करने के लिए 20 कार्य दिवस प्रस्तावित किए गए हैं। प्रत्येक विषय और उसके अंतर्गत आने वाले वाक्यों के लिए दिनों का निर्धारण सुझाया गया है। यदि किन्हीं दिनों में वाक्यों की संख्या अधिक है तो उनके अभ्यास के लिए आवश्यकता अनुसार दिनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। औपचारिक रूप से इस पुस्तिका के इस्तेमाल के लगभग 1 माह पहले उपयुक्त परिवेश बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस प्रक्रिया को अभ्यास के द्वारा आगे के महीनों में भी दोहराया जा सकता है। इस परियोजना के दस्तावेजीकरण के लिए और विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे विद्यालय विद्यार्थियों की प्रमुख व दैनिक गतिविधियों के छायाचित्र और वीडियो तैयार कर अपलोड करेंगे। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयी शिक्षा विभाग, DEO और BEO भी इन गतिविधियों की तस्वीरें
और वीडियो राज्य स्तर, जिला स्तर या ब्लॉक व संकुल स्तर पर अपलोड कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा अपलोड की गई अथवा भेजी गई तस्वीरों और वीडियो के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यदि कुछ विद्यार्थी अन्य भाषा बोलना और पढ़ना लिखना जानते हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए और दूसरों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई शिक्षक, अभिभावक, सरकारी कर्मचारी या कोई अन्य उस भाषा को पढ़ सकते हो तो उन्हें उन वाक्यों को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रस्तावित पुस्तिका और उससे संबंधित गतिविधियाँ अर्थपूर्ण और रोचक माहौल में आयोजित की जानी चाहिए ताकि बच्चे सीखी जाने वाली भाषा का इस्तेमाल रोजाना की आपसी बातचीत में करने की कोशिश करें। ऐसा करने में कुछ हंसी मजाक का माहौल भी बन सकता है। शिक्षक भी बच्चों के साथ इस बातचीत में शामिल हों। प्रस्तावित गतिविधियाँ, यहाँ 12 विभिन्न विषयों पर लगभग 100 वाक्य दिए गए हैं। जिन राज्यों से जोड़ी बनाई गई है, विद्यार्थी उस राज्य की भाषा में बातचीत करेंगे। ये बातचीत प्रातःकालीन सभा में की जाएगी। विद्यार्थियों को इन वाक्यों पर पोस्टर तैयार कर उन्हें विद्यालयों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक गण उसी भाषा में बच्चों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि घर पर परिवार के सदस्यों के साथ इन वाक्यों को साझा करें। इस कार्यक्रम से संबंधित अन्य गतिविधियों का आयोजन विद्यालय अपने स्तर पर कर सकते हैं। इन भाषाओं के लोक गीतों, प्रचलित गाने, खेल गीत, कविताओं का इस्तेमाल इस भाषा के प्रति रुझान उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। भूगोल, भाषा, इतिहास, पर्यावरण अध्ययन आदि विषय पढ़ाते समय ये संवाद व वाक्य समुचित स्थान पर यथासंभव उपयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये संवाद बच्चों के लिए प्रासंगिक विषयों पर आधारित हैं। भाषा संगम एक ऐसा कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों को देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनमें समाहित सांस्कृतिक भाषिक विविधता को समझने का अवसर देगा। ये कार्यक्रम आपसी संवाद की एक पहल है। आपके स्कूल में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके उसके लिए आप कुछ तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। विद्यालय प्रमुख स्कूल के सभी अध्यापकों के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ी सामग्री को जरूर पढ़ें। पढ़कर उस पर चर्चा हो और कार्यक्रम के हर पहलू पर बातचीत हो। ये कार्यक्रम बहुभाषिकता की समझ पर टिका है, इसलिए इस पर साझा समझ बनाना बेहद जरूरी है। अभिभावकों की साझेदारी इस कार्यक्रम में जरूरी है। शिक्षक अभिभावक संघ की मीटिंग के जरिए अभिभावकों को इस कार्यक्रम से परिचित करवाएं और उन्हें अपने विचार और सुझाव रखने को कहें। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी है कि स्कूल में सभी अपनी जिम्मेदारी जानते हों। कक्षा 4 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों में से एक मुख्य समन्वयक की जिम्मेदारी ले लें और 2-3 शिक्षक सह समन्वयक की भूमिका में मदद कर सकते हैं। भाषा संगम के लिए तैयारी, कक्षा में माहौल बनाना। ये कार्यक्रम बच्चों के अनुभव क्षेत्र में एक ऐसी भाषा लेकर आ रहा है जो शायद आपके स्कूल के बच्चों ने कभी ना सुनी हो। हो सकता है भाषा का नाम सुना हो पर भाषा सुनने का कभी मौका ना मिला हो। ये भाषा अपरिचित तो लग ही सकती है, इसकी ध्वनियाँ, वाक्यों का उतार चढ़ाव, ये सब भी एक नयापन लिए सुनाई देंगे। बच्चों और खुद के कानों को इस भाषा की आवाजों और उच्चारणों की आदत डालनी होगी। इसके लिए आप महीने भर का समय लें और इस समय में भाषा को सुनने का मजा लें। इस मजे में भाषा से दोस्ती हो पाएगी। सरल और सहज माहौल जिसमें भाषा के कुछ खेल, गीतों,
जनमानस में छाए लोक गीतों, बच्चों के लिए उपयुक्त फिल्मी गानों का भरपूर इस्तेमाल हो। पहेलियां और चुटकुले पीछे ना रह जाएं, खासकर वो जिनमें ध्वनियों व शब्दों का खेल हो। कुछ साधन सामग्री तो आप तक पहुंच ही जाएगी, पर इंटरनेट का भी सहारा लें। सुने, सुनाएं, गाएं, गुनगुनाएं, खेलें। आपके उत्साह और आपको आ रहे आनंद से बेहतर साधन सामग्री असल में कुछ भी नहीं है। इसमें आपको कक्षा में बहुत समय देने की जरूरत भी नहीं है। दिन में दो दो बार 10-15 मिनट काफी होंगे, बस आपकी तैयारी पूरी रहे। ऐसा समय अच्छा हो सकता है जब बच्चे दिमागी कवायद से थक गए हों, या फिर खाने से ठीक बाद के 10-15 मिनट, या फिर घर जाने से पहले। ये पूरी कोशिश केवल कानों को नई भाषा सुनने के लिए अभ्यस्त करने की है और उसमें आनंद लेने की। इसे आप औपचारिकता से दूर रखें। इस महीने में बच्चों को किसी भी तरह से परखा ना जाए। इस दौरान आपको कुछ ऐसे स्रोतों की जरूरत पड़ सकती है जिससे कक्षा में नई भाषा सीखने का माहौल बन सके। ऐसे कुछ स्रोत जहां आपको विभिन्न भाषाओं में सामग्री मिल सकती है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिलों के मंडल शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक संदर्भ एवं प्रशिक्षण केंद्र, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी और नेशनल बुक ट्रस्ट। सीखने की प्रक्रिया, बच्चों की प्रतिक्रियाएं। जब एक ऐसी भाषा बच्चों के कानों में पड़ेगी जो उन्होंने पहले नहीं सुनी, तब बच्चों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह की होंगी। हो सकता है कुछ बच्चे शुरुआत में कोई दिलचस्पी न दिखाएं, हो सकता है कुछ को अटपटी लगे, कुछ को मजेदार लगे और कुछ इसका मजाक भी उड़ाएं। हमें सभी तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार रहना होगा। हम जितने सम्मान, दिलचस्पी और उत्साह के साथ इस भाषा के साथ बच्चों का परिचय करवाएंगे, बच्चों का रवैया भी भाषा के प्रति वैसा ही विकसित होगा। रचनात्मक आकलन। आकलन के समय इस ख्याल को जहन में रखना मददगार होगा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को भाषा सिखा देना नहीं है। 20 दिनों में ये संभव भी नहीं। संबंधित भाषा के ये वाक्य बच्चों को उस भाषा को सुनने का संदर्भ देते हैं। ये कार्यक्रम इन वाक्यों को यांत्रिक रूप से रटा देने का उद्देश्य भी नहीं रखता। कार्यक्रम के दौरान अगर अपनी भाषा से अलग भाषा के प्रति हमारे रवैये में एक बदलाव आने लगे, तो ये इस कार्यक्रम की सफलता का संकेत होगा। बच्चों में ये समझ बन पाए कि देश और संसार में अनेक भाषाएं हैं और ये भाषाएं उतनी ही सक्षम और सुंदर हैं जैसे कि उनकी भाषा। भाषाओं के प्रति प्रेम और आदर इस समझ से ही पनप सकता है। हमारे आकलन के तरीके भी इस समझ को पहचाने, ये जरूरी है। आकलन का संदर्भ ऐसा ही हो जिसमें बच्चे भाषा के इस्तेमाल का आनंद ले सकें। 20 दिन के केंद्रित भाषा कार्यक्रम के दौरान बच्चों की प्रतिक्रियाओं, भागीदारी और उत्साह का आप अवलोकन करें। आप अपनी टिप्पणियों को एक नोटबुक में दर्ज करते रहें। अगर आपने महीना भर कक्षा में नई भाषा के लिए माहौल बनाया है, तो अवलोकन करना मुश्किल नहीं होगा। आकलन आप 3 स्तरों पर कर सकते हैं: कक्षा में, समूह या जोड़ों में, हर बच्चे का। कार्यक्रम के संदर्भ में सुझाए गए इन वाक्यों के आधार पर बच्चों का आकलन संबंधित भाषा के अलग अलग पहलुओं पर किया जा सकता है। वाक्यों को कई विषय वस्तुओं में बांधा गया है। इस तरह से हर विषय वस्तु बातचीत का एक सुदृढ़ संदर्भ देती है। ऐसे ही कुछ प्रश्न भाषा के अलग अलग पहलुओं पर केंद्रित हैं। संबंधित भाषा की ध्वनियां, उसके शब्द, संदर्भ में शब्दों का अर्थ, कुछ मुख्य शब्दों को पहचान कर संदर्भ का अनुमान लगा पाना, संदर्भ में प्रश्न पूछ पाना, जैसे पहलू
आकलन में शामिल हों। ध्यान दें कि ये आकलन किसी भी तरह से बच्चों की स्मरण शक्ति की जांच नहीं है। वैसे ही शुद्ध उच्चारण पर ज्यादा बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा के उच्चारण में प्रांतीय प्रभाव स्वाभाविक है। प्रश्न एक, क्या बच्चा संबंधित भाषा के वाक्यों को अन्य भाषाओं के वाक्यों से अलग सुन पाता है? प्रश्न दो, क्या बच्चा सुझाए गए इन वाक्यों में से सुनकर विषय वस्तु का अनुमान लगा पाता है? प्रश्न तीन, क्या बच्चा सुझाई गई विषय वस्तुओं पर केंद्रित बातचीत के मुख्य शब्दों का अर्थ बता पाता है? प्रश्न चार, क्या बच्चा संबंधित भाषा में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे पाता है? प्रश्न पांच, सुझाई गई विषय वस्तुओं में से संदर्भ बताने पर क्या बच्चा संबंधित भाषा में प्रश्न पूछ पाता है? इन प्रश्नों के जवाब पाने के लिए कुछ आकलन के तरीके सुझाए जा रहे हैं। आप इनको अपनी जरूरत और संदर्भ के हिसाब से बदल सकते हैं। आप उन बदलावों का या अपने बनाए तरीकों का विस्तृत वर्णन जरूर रखें। तीन या चार भाषाओं के ऑडियो क्लिप बच्चों या बच्चे को सुनवाएं। सीखी जा रही भाषा के ऑडियो क्लिप को पहचानने के लिए कहें। संबंधित भाषा में एक विषय वस्तु पर बातचीत आप सुनाएं, या दो बच्चों को रोल प्ले करने के लिए कहें, या फिर ऑडियो प्ले करें। बच्चों या बच्चे को बातचीत की विषय वस्तु बताना है। बातचीत की विषय वस्तु बताने पर आप बच्चों या बच्चे से बातचीत में आए ऐसे शब्द और उनके अर्थ बताने के लिए कहें जिनके आधार पर उन्होंने विषय वस्तु का अनुमान लगाया। सुझाई गई विषय वस्तुओं में से किसी में से आप प्रश्न पूछें। बच्चे या बच्चा उस प्रश्न का उसी भाषा में जवाब दें। आप एक संदर्भ का उल्लेख करें और बच्चों या बच्चे से पूछें कि वो सीखी जाने वाली भाषा में संदर्भ से जुड़ी बातचीत बताएं। अच्छा होगा कि ये सभी गतिविधियां पहले पूरी कक्षा के साथ खेल खेल में की जाएं। बच्चों की अनुमान लगा पाने और अर्थ खोज पाने और समझने की क्षमता को सराहें। ये दो कारणों से जरूरी है। पहला, भाषा की नींव अर्थ में है। दूसरा, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुभाषिकता में सटीकता पर जोर न होकर एक दूसरे को समझने की कोशिश होती है। कक्षा में भी हम समझने की कोशिश करें कि बच्चे क्या बताना चाह रहे हैं। आइए मिलकर नई भाषाओं से दोस्ती का आनंद लें।